Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के कंपटीशन को लेकर एमएमआरसीए 2 के बारे में। तो जी हां दोस्तों, इस बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएएफ ने एक और कंडीशन लगा दी है जिसके अंतर्गत जो भी फाइटर जेट्स, जो कि 114 फाइटर जेट्स प्रोक्योर किए जाने वाले हैं एमएमआरसीए 2 के अंतर्गत, उन सभी में आईएएफ ये फोकस करने वाली है कि जो एयर टू एयर मिसाइल की फंक्शनैलिटी है उसे प्रायोरिटाइज किया जाए। और आईएएफ ये चाहती है कि जो भी ये फाइटर्स आ रहे हैं वो अपने साथ एक उच्चतम कोटि का एयर टू एयर मिसाइल लेके आएं जिसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकली इंटीग्रेट किया जा सके। और जिसके साथ एक और कंडीशन रखी गई है कि इन फाइटर जेट्स पे इंडिया के जो इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 या फिर SFDR होंगे इनको भी इंटीग्रेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ओपन रहनी चाहिए वेंडर्स की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान आईएएफ के ऑफिशियल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स के साथ ऐसी वार्ता की है कि जो भी फाइटर जेट्स 114 प्रोक्योर किए जाने वाले हैं वो अपने साथ जो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लेके आ रहे हैं उनको इन टर्म्स पे अग्री करना पड़ेगा कि वो इन सभी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंडिया में ही लोकली इंटीग्रेट करें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पे ये स्केल डिसाइडेड नहीं है कि कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहती है आईएएफ। जैसा कि आपको बता दूं, यूएस के फाइटर्स F-21 और F-18 अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि AIM-120C7 और AIM-120C8 जो कि एमराम मिसाइल है, ये दो मिसाइल लेके आ रही हैं, जिसमें से आप AIM-128 को AIM-120D के नाम से भी जानते होंगे। और ये मिसाइल्स उन सभी मिसाइल्स से काफी एडवांस है जो कि अभी PF के F-16 के पास है। लेकिन इन मिसाइल्स को लेके कि वो इंडिया में कितना ट्रांसफर या फिर लोकली इंटीग्रेट करेंगे अभी यूएस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपियन फाइटर्स हैं जैसे कि द सॉल्ट, यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेनी, तो इन सभी वेंडर्स ने इंडिया के इंडिजिनस बीवरैम्स जैसे कि अस्त्र मार्क 2, SFDR, इन सभी को लोकली इंटीग्रेट करने के लिए अपनी सहमति जताई है। हालांकि इन सभी के साथ जो एयर टू एयर मिसाइल आ रहा है MBDA द्वारा निर्मित मीटियोर, उसके लोकली इंटीग्रेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं है MBDA की तरफ से। यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि MBDA इस प्रपोजल को और इस कंडीशन को कैसे लेती है। वहीं पर अगर आप बात करोगे MMRCA 2 में ही पार्टिसिपेट करने वाले MiG-35 और Su-35 से, तो ये अपने साथ लेके आ रहे हैं R-77 और R-37 जो कि अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है, और R-37 मिसाइल जो कि सुखोई Su-35 पे इंटीग्रेट किए गए होंगे। MiG-35 अपने साथ R-77 लेके आ रहा है जो कि इंडिया के पास ऑलरेडी उसके इंटीग्रेशन की क्षमता है। और रशियन वेंडर्स यहां तक अग्री कर गए हैं कि इंडिया के जो भी अस्त्र कैटेगरी के मिसाइल्स होंगे उनको इंटीग्रेट करने के लिए वो हेल्प करेंगे इन सभी फाइटर्स पे अगर ये सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ऑल इन ऑल यहां पे कहने का मतलब ये है कि आईएएफ की ये डिमांड है कि ये जो भी 114 फाइटर्स आ रहे हैं ये अपने साथ जो भी एयर टू एयर मिसाइल लेके आएंगे उनकी मेंटेनेबिलिटी और उनका जो इंटीग्रेशन है वो लोकली होना चाहिए। ये एक मेन टर्म और कंडीशन आईएएफ ने अभी रखी है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि बाकी के वेंडर्स कैसे इस ऑफर को लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं C-295 एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि इस डील को फाइनलाइज कर लिया गया है, लेकिन इस डील के लिए अभी DAC के साथ IAF की मीटिंग होनी थी, लेकिन अभी इलेक्शंस के माहौल को देखते हुए उस मीटिंग को जून में पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस बारे में बात करते हुए एक IAF ऑफिशियल ने बताया कि इस डील को लेके जो भी नेगोशिएशंस थे वो कर लिए गए हैं, कंप्लीट कर लिए गए हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं तो जून में IAF की DAC के साथ मीटिंग रखी गई है जहां पे इस डील के साथ इंडियन एयरफोर्स के और भी जो डील हैं उन्हें आगे प्रोपेल किया जाएगा, जैसे कि MMRCA 2 जिसके अंतर्गत तकरीबन 114 फाइटर प्रोक्योर किए जाने हैं। और जैसा कि आप सबको बता दूं, IAF अभी एक अर्जेंट नीड में है अपने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, और उसी के लिए ये C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील नेगोशिएट की जा रही थी। और इसके अंतर्गत तकरीबन 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिप्लेस किए जाने थे, जिसमें से 16 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे और 40 मेक इन इंडिया के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडिया में ही बनाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की तीसरी डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं अब तक के मोस्ट अवेटेड टेस्ट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर निर्भय क्रूज मिसाइल से रिलेटेड है, जिसके लिए DRDO ने ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस रिलीज दिया है, और जिसमें उन्होंने उन सभी पैरामीटर्स पे बात की है जिसके लिए इस बार का निर्भय क्रूज मिसाइल का छठा टेस्ट कंडक्ट किया गया था। तो निर्भय क्रूज मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर से टेस्ट किया गया है, और ये टेस्ट 15 तारीख की सुबह 11:30 पे कंडक्ट किया गया। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने का जो मेन मोटिव था वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के थे, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि बूस्टर फेज की रिटेबिलिटी को चेक करना,
क्रूज फेज में जो वे पॉइंट नेविगेशन है वो लो अल्टीट्यूड पे किस तरह परफॉर्म करता है इसको चेक करना, और मिसाइल किस तरह से वर्टिकली टेक ऑफ करके एक डायरेक्शन में मुड़ता है ये भी चेक किया गया, और मिसाइल की जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है इसको भी टेस्ट किया गया, जिसके अंतर्गत ये तकरीबन सरफेस से 2.5 से 5 मीटर की डिस्टेंस बना के ट्रेवल कर रहा था, जो कि शो करता है इसकी जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है, जिसके अंतर्गत ये समुद्र की सरफेस पे ट्रेवल करते हुए बिना दुश्मन के शिप्स के नजर में आए हुए ये उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा। और इस टेस्ट के दौरान इसको अच्छे से ट्रैक किया गया है, इसके सारे पैरामीटर्स को, और उस ट्रैकिंग के लिए इसमें यूज किया गया था इंडियन नेवी के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रेडार सिस्टम, ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम, जो कि नवल कोस्ट पे डिप्लॉय किए गए होते हैं, तो इन सभी के जरिए इस टेस्ट को सर्वेलेंस किया गया है और ट्रैक किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे निर्भय क्रूज मिसाइल तकरीबन 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है, और इसकी मैक्सिमम रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर की है, और इसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए लगाया गया है रिंग लेजर जायरोस्कोप RLG, जो कि इसे हेल्प करता है कंट्रोल नेविगेशन और गाइडेंस देने में। और जहां तक बहुत व्यूअर्स ऐसा पूछे थे कि इसमें मानिक इंजन लगा है या नहीं, मानिक से टेस्ट किया गया है या नहीं, तो इस तरह की न्यूज का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि इस टेस्ट में मानिक इंजन का ही यूज किया जाना था। जहां तक बात है इस टेस्ट में मानिक इंजन के यूज होने की, तो इस बारे में आपको बता दूं अभी मानिक इंजन को ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, इसलिए इस टेस्ट में इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए जो कि इसके लो लेवल फ्लाइट और सी स्कीमिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का था, सिर्फ उस टेस्ट के लिए आज टेस्ट कंडक्ट किया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें इंपोर्टेड रशियन इंजन यूज किया गया है, लेकिन आगे चल के लेटर फेज में इसमें मानिक इंजन लगाया जाएगा, और अभी ये टेस्ट सी स्किमिंग कैपेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए किया गया था। तो आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।